नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंगल लोटस टावर टीवी की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय तिवारी जी, जो कि इंडो यूरोपियन चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं और समय समय पर अलग अलग टॉपिक पर वो बात करते रहते हैं लोटस टावर टीवी के साथ। आज हम बात करेंगे अयोध्या के 125 किलोमीटर का जो रेडियस है वहाँ पर अयोध्या में सांडिल्य दिवस हर वर्ष 2 मार्च को मनाया जाता है। इस बार क्या तैयारियां हैं और किस तरीके का इस बार कार्यक्रम होगा, तो चलिए हम मिलते हैं इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष श्री विजय तिवारी जी, जो कि लोटस टावर टीवी पर हम सबके साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार तिवारी जी। नमस्कार, प्रणाम। और हर तरीके से आप अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं। इस बार भी हम आपके साथ 2 मार्च के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और इस बीच काफी समय से आप लोटस टावर टीवी पर नहीं आए, तो क्या आप किस काम में व्यस्त थे? देखिए, पहले तो हम बात नहीं करते हैं, हम लोग काम करते हैं और उसी काम के विषय में चर्चा करते हैं। अभी हम लोग भारत की सभी यूनिवर्सिटीज में कामधेनु चेयर क्रिएट करने के विषय में एक हम लोग कार्यक्रम में व्यस्त थे, जिसमें पिछला एक महीना उसी में चला गया। तो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और जो भी कॉलेजेस हैं, तो इसमें हमारे साथ UGC, AICT और AIU और प्लस 2 मंत्रालय भारत सरकार के इसमें थे। तो ये था। और 2 मार्च को हम लोग हर वर्ष ब्रह्म ऋषि सांडिल्य दिवस मनाते हैं। इस वर्ष भी मनाया जाएगा और उसमें अभी तो ये कोरोना का पीरियड है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको जैसा गाइडलाइंस के अनुसार, क्योंकि जैसा जो सुनने में आ रहा है कि शायद जल्दी कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिल जाए, और हालांकि उसी पीरियड में शायद पंचायत के चुनाव होंगे तो कोरोना मुक्त ही चुनाव होंगे, क्योंकि चुनाव में तो कोरोना गायब हो जाता है। तो इसलिए हमारी ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हम लोग अभी जो 125 किलोमीटर का रेडियस है उसको विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र बनाने के विषय में हमारा प्रयास है। उसमें हम लोग अभी एक अमेरिकन ग्रुप को भी जोड़ रहे हैं, जो हमारे साथ कई सारी गौशालाओं को कैसे हम सेल्फ रिलायंट बनाएं, उस पे हम लोगों का एक अलग से काम चल रहा है। तो उनके भी हमने पदाधिकारियों को बुलाया है इस कार्यक्रम में, वो भी आए और हमारे साथ कार्य करें। 125 किलोमीटर के रेडियस में कोरोना के बाद जो आप कार्य कर रहे हैं वो उसमें काफी कठिनाई आ रही होगी। कामधेनु के बारे में आपने बताया कि आप काम व्यस्त है, हम बात नहीं करते, हम कार्य करते हैं। बहुत अच्छी आपकी ये बात लोगों के लिए प्रेरणादायक लगी। मैं इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष से ये बात करूंगी कि लोग कोरोना को खत्म होने ही नहीं देना चाह रहे, ऐसा समाचार से लगता है। तो जो 2 मार्च है वो इस बार किस विषय के ऊपर फोकस रहेगा और क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, ऐसा है, हमारा भारत लगभग 70% ग्रामीण क्षेत्र कवर करते हैं और हम इसमें चाहते हैं कि रूरल इंडिया में आयुष को महत्व दिया जाए और इनको हम गौशालाओं के साथ जोड़ करके एक अलग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र में एक हमारा काम भी चल रहा है। थोड़ा स्लो जरूर है, क्योंकि कोरोना पीरियड में मूवमेंट कम है, सरकार भी उसका फोकस अलग है और समय समय पर चुनाव आ जाते हैं, सब चुनाव में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें उत्तराखंड के सभी 97 ब्लॉक्स और उत्तर प्रदेश के जो ये 183 ब्लॉक्स हैं, इस पे हम लोग कार्य इस विषय में कर रहे हैं, क्योंकि आयुष जो है वही हमें सभी प्रकार की बीमारियों से बचाएगा। आयुष में आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी आते हैं। ये हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ है और इसकी
इसको हमें बहुत वृहद लेवल पे उपयोग करना चाहिए, पंचतत्वों को हमें उसमें जोड़ना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं शहरों में ना शुद्ध हवा है, ना शुद्ध पानी है, ना शुद्ध आकाश है, शुद्ध जल भी नहीं है, और शुद्ध अग्नि की तो बात ही अलग है। और अग्नि हमारे टॉपिक जो है कि क्या कहते हैं आप 10 लाख ग्लोबल सिटीजन के लिए बात कर रहे हैं, जो आपका 2020 का जो 2 मार्च का प्रोग्राम रहा उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो बीबीए कर रहे हैं वो लोग भी आए थे, काफी बीजीएम और ये सब लोग आए थे, तो ऐसे और बच्चे भी जोड़ रहे हैं इस बार? जी हाँ, अब हम इंटरनेशनली भी बहुत सारे लोगों को जोड़ रहे हैं और भारत में भी अलग अलग प्रांतों के लोगों को जोड़ रहे हैं। इनफैक्ट इसमें हम चाहेंगे आपके माध्यम से, क्योंकि आपकी जूरी बोर्ड बड़ी स्ट्रांग है, आप महिलाओं का कार्यक्रम करती हैं, तो हम 30 हम चाहेंगे पूरे भारत भर से, आप ऐसी जूरी बनाइए 25-30 लोगों की जो एक एक अच्छे नाम रेकमेंड करें जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि समाज में इम्पैक्ट पड़ा है या पड़ेगा। वो इसमें हमारा फोकस उसमें क्या क्राइटेरिया रखा है कि उन्होंने क्या कार्य किया होगा? देखिए कार्य जो है, जैसे हम वो एक तरह से भारत रत्न कैसे होंगे, भारत रत्न का मतलब उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हों विशेष जिससे कि हमारी रूरल इकोनॉमी को फर्क पड़े, रोजगार के साधन उत्पन्न हो, हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा बढ़े। देखिए क्या है, मनुष्य जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है खुश रहना। हैप्पीनेस इंडेक्स इस पे हम काम नहीं करते, हम एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ भागे जा रहे हैं, और तो ये एक इससे जो है बड़ी अव्यवस्था सी भी फैली हुई है पूरी दुनिया में। तो ये हमारा जो विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र में और उत्तराखंड में जो कार्य होगा ये हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर के होगा, और विश्वगुरु भारत भी वही हो भारत होगा जहां पे आने से लोगों को शांति मिलती है। जिस तरह से कहा जाता है कि मनुष्य जब अपने माता पिता या गुरु के पास जाता है तो उसे उसकी उसको शांति मिलती है, उसकी समस्याओं का समाधान मिलता है। तो ऐसे भारत में तो कोई नहीं आना चाहेगा जहां पे अव्यवस्था हो, तो इसकी भी हम लोगों को साथ साथ तैयारियां करनी है, और इस पे हम लोग जरूर कार्य कर रहे हैं और तमाम इंस्टीट्यूशंस को इसमें जोड़ रहे हैं। इसीलिए इसमें कामधेनु चेयर को भी इन्वॉल्व किया गया है कि यूनिवर्सिटी लेवल में कैसे वो गांव के साथ जुड़े। तो 30 लोग हम लोग हर वर्ष 30 लोगों को ब्रह्मऋषि राष्ट्ररत्न सम्मान से सम्मानित करते हैं, तो उसमें आप 30 नाम हमें दीजिए जो लोग आए अयोध्या में हमारे साथ रहें और समझें और कार्य करने का मेन चीज अवार्ड नहीं है, उनका जो एक्सपर्टाइज है, उन्होंने जो जीवन भर, क्योंकि ये हमें उसमें बहुत ज्यादा युवा वैसे नहीं चाहिए, ये हम लोग कोशिश करते हैं कि 60 वर्ष के ऊपर के लोग हों जिन्होंने जीवन भर कुछ कार्य किया है, आगे भी कुछ समाज को देना चाहते हैं, क्योंकि जो समाज को देना नहीं चाहता है वो अभी हमारे लिए थोड़ा सा इसमें इस अवार्ड में नहीं आता है, इस कैटेगरी में। तो इसमें जो इतनी उम्र से आप लोगों को ले रहे हैं उसके पीछे आपकी क्या सोच है, क्योंकि एक तरफ तो इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष बात करते हैं कि हम युवाओं को ग्लोबल सिटीजन बना रहे हैं, एक आप अवार्ड ऐसे लोगों को देना चाहते हैं, पिछले वर्ष भी आपने दिया जो 60 से ऊपर है, तो उसके पीछे आपकी क्या सोच है और आपकी क्या कल्पना है? देखिए युवाओं को अगर सही मार्गदर्शन में नहीं चल सकते बुजुर्गों के सलाहकारों के तो वो एक तरह से एनर्जी मिसगाइडेड और मिसडायरेक्टेड एनर्जी होती है, जैसा कि हम देखते हैं तमाम पूरे दुनिया भर में। तो एक तो ये हमें जो भारत में से जिन लोगों का एक्सपर्टाइज है बहुत अलग अलग विषयों में, बहुत लोग काम कर रहे हैं, साइंटिफिक काम कर रहे हैं, गौशालाओं में कार्य कर रहे हैं, उद्यमिता में कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, या उन्होंने कुछ नए इनोवेशंस किए हैं, तो उनको हम चाहते हैं उनको जोड़ करके उनकी गाइडेंस में युवा कार्य करें। और सीधा सीधा हमारा टारगेट यह है कि किस तरह से गांव समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, और कैसे वो लोगों को, क्योंकि जो स्वयं शांत नहीं है, जो स्वयं उथल पुथल में है, वो कैसे किसी को मार्गदर्शन देगा या कैसे किसी को
कोई हल देगा उनकी समस्या का, ये संभव नहीं है। आज बहुत समस्याएं जो पहले थी उससे कई गुना ज्यादा समस्याएं भी हैं। प्रकृति ने एक तरीके से बता दिया है कि एक मजबूत कौन है, ये मनुष्य या प्रकृति। ऐसे में लोग काफी तुरंत रिजल्ट चाहते हैं और युवा पीढ़ी ज्यादा चाहती है, तो किस तरीके से हम उनको गांव की तरफ मोड़ रहे हैं, और उसमें आपका अपना कोई संस्थान है या आप अपने इंडो यूरोपियन चैम्बर की तरफ से कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, क्योंकि कई प्रदेशों में आपसे आपको हम देख रहे हैं कि आप कार्य कर रहे हैं। देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं और हमारा जो कार्य है, जैसे अब किसानों की समस्या अचानक आ गई है। जी, ऐसी किसानों की समस्या हम बीच में बोलना नहीं चाह रहे थे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाता, हम तो अपने आपके विषय पे ही बात करना चाह रहे। ऐसा हम देखते हैं कि हमारे जो नीति निर्धारक हैं जी, वो एसी कमरों में बैठ करके उस गांव के लिए प्लान कर लेते हैं जी, बिना सोचे समझे। और हम जैसे दवा दे रहे हो कि उनको ये बीमार है, इनको हम दवा देंगे। अरे भैया, थोड़ा उस शरीर से पूछ लो, थोड़ा उस गांव से पूछ लो कि उसको क्या चाहिए। इसीलिए तो इतने चुनाव होते हैं, इसीलिए तो ग्राम प्रधान से लेकर और प्रधानमंत्री तक चुनाव होते हैं, तो वो लोग नहीं बताते क्या? मुझे ऐसा लगता नहीं है, हालांकि लोग, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बताने की कोशिश करता है। जैसे अब कोरोना हमने देखा, वैसे तो बहुत अशांति फैला रखी है, बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हमने देखा दिल्ली में 2,000 रुपए के चलान हो रहे हैं, लेकिन उसी बीच में बिहार का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, अब बंगाल का चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, और यहाँ पे तो खैर ये मजबूरी में बैठे हैं या जो भी कारण है। तो ये किसान क्यों, क्योंकि हम एक्चुअल में जो MSP की बात कर रहे हैं, वो MSP किसान को मिल ही नहीं रही है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे भाई, हम खुद किसान हैं, हमको पता है, हमारे घर में भी धान कट के रखा हुआ है, 1866 का है, 10-11 रुपए से ज्यादा भाव नहीं मिल रहा। जो 10-11 रुपए किलो में बेचेगा, वो किसान की लागत भी उसमें नहीं निकल रही है। आज कोई एक ऐसा विषय बता रहा था कि जिसके बारे में जानकर हमको ऐसा लगा कि एक ही देश का कानून सारे प्रदेशों में अलग अलग कहते हैं। वो कह रहे कि पंजाब में बिजली सस्ती है, वहाँ बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली का भी ज्यादा बिल देना पड़ता है, कई चीजों पे ज्यादा देना पड़ता है, तो कई जगह मिसमैच भी काफी चीजों पर है। तो एक इतना बड़ा जो देश है उसमें इतनी सारी समस्याएं, एक साथ इतना बड़ा आंदोलन जो हो गया है उसके बारे में तो कोई एक्चुअल स्थिति सामने नहीं आ रही, और आप खुद किसान हैं, आप बता रहे हैं कि दिक्कत आ रही है, तो इसमें आप किसान होने के नाते क्या चाहते हैं सरकार से? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि गांव से पहले पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए। गांव से पूछा जाए, गांव का मतलब, और हर उत्तर प्रदेश का गांव अलग है, उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग है, पूर्वी अलग है, पश्चिम दक्षिण का अलग है, उत्तर में अलग है, क्योंकि हर गांव की अपनी एक समस्या है और उसकी एक चैलेंजेस हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ के गांव है उत्तराखंड में, अब 700-750 गांव खाली हो गए। क्यों खाली हो गए? इस पर सोचना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए, इसमें भी तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए। अभी भी हमारे 124-125 जिले बैकवर्ड जिले हैं, जिनको हम एस्पिरेशनल जिले बोल रहे हैं, उसमें भी हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं सरकार, लेकिन फिर भी वो सालों साल से बैकवर्ड से वो आगे नहीं आ रहे हैं। BPL कई सालों के बाद में भी BPL रहता है, जैसे बहुत सारे NGOs हैं वो भिखारी के भिखारी रहते हैं, अल्टीमेटली हमेशा लाइन में रहते हैं। अरे भाई, आप सेल्फ रिलायंट क्यों नहीं होते? आपको एक समय आकर के हमें एक तो सब्सिडी और ग्रांट्स में बहुत चिंतन करना चाहिए कि हम भिखारी को, हम देखते हैं उदाहरण, आप भिखारी को रोज भीख दीजिए तो अल्टीमेटली वो भीख ही मांगता रहता है, वो कभी भी खड़ा होकर कार्य नहीं करता। तो इसी तरह से गांव है, इसी तरह से NGO है, हमने उसको भिखारी मॉडल बना दिया है। यहाँ पे हमें उसे उद्यमी बनाने की जरूरत है, वहां पे हमें सोचने की जरूरत है। जो लोग भी गांव में उद्यमी हैं उन्हें हमें पहले सपोर्ट करने की जरूरत है और उनके साथ में ही हमको मूव करने की जरूरत है। हर गांव में कोई ना कोई उद्यमी है,
अभी हमने सुना है कि आपका जो जो गांव गांव के साथ जो उत्तर प्रदेश का 125 किलोमीटर के रेडियस में आप बहुत सारे महानगरों के लोगों को आप जोड़ने का काफी प्रयास कर रहे हैं और तरह तरह की आपके पास योजनाएं भी हैं हम लोगों की, तो क्या शहर के लोग गांव के साथ जोड़ने के लिए इस समय मन बना रहे हैं? देखिए, अब कोई आपके पास चॉइस नहीं है जी, क्योंकि एक जैसे मनुष्य को पिटते पिटते दीवाल का कोना आ जाता है, उसके पीछे उसके पास भागने की जगह नहीं है जी। तो जब भागने की जगह नहीं है, वही हाल आज की डेट में हमारे पूरे संसार का हो गया है। अब हमें सभी को अपनी रूरल इकोनॉमी के साथ जुड़ना पड़ेगा और ग्रामीण परिवेश के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो इसमें जो हमारी स्पेशल स्पिरिचुअल जोन अयोध्या में 15,000 ग्राम पंचायतों के लगभग आ रही हैं, तो हम चाह रहे हैं कि 15,000 दिल्ली से ऐसी पंजाबी फैमिलीज जुड़े हैं जो 1947 में पार्टीशन के समय जिनका सब कुछ लूट गया था, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ, उनके गांव और कुछ बचा नहीं, वो ऐसे लोगों को हम इन गांव के साथ जोड़ रहे हैं। क्योंकि ये जो गांव हैं अभी भी गांव गुलाम है। गुलाम क्यों है? जो गांव पुलिस से डरता है, जिस पे छोटा पटवारी, छोटे छोटे पटवारी, BDO, SDM, तहसीलदार ने उनके पूरे नाक में दम करके रखा होता है, छोटे छोटे मुकदमे हैं, जमीनों के इश्यूज हैं, उसको सॉल्व ही नहीं कर रहे। भाई, आपको शासन में क्यों हम जो है तनख्वाह दे रहे हैं, क्यों हमने रखा हुआ है? अभी भी हमारा कलेक्टर कलेक्टर वही ब्रिटिश कलेक्टर है, वही ब्रिटिश कलेक्टर आज भी हमारे भारत को रूल कर रहा है। तो हम जो यहां पे 15,000 ऐसे परिवार हैं जो 1947 में पार्टीशन के बाद जिनका सब कुछ खत्म हो गया और वो मेहनत से तीसरी चौथी पीढ़ी में अभी आके उन्होंने खड़े हो गए, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और अपने उन्होंने स्टैंड किया, ऐसे लोगों को हम उन गुलाम गांवों के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। मैं गुलाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो ना समझ है, ना समझी के चक्कर में इन्होंने पूरा बहुत छोटे छोटे इश्यूज पे इनके झगड़े हैं और जातियों में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, ऊंच नीच बटे हुए हैं। इतने वर्षों बाद भी कोई व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है, बता रहा है, तो लोगों को बड़ी हैरानी होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, महानगर में रहने वाले लोग हैं, हमारे पास अब 5G भी आ गया है और आप बता रहे हैं कि गाँव के छोटे छोटे झगड़े हैं जो इस तरीके, ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको आप जोड़ना आसान लगता नहीं है? देखिए, अगर हम नहीं, आसान है, मुश्किल भी नहीं है। आसान इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति को अगर विश्वगुरु भारत बनाना है तो हर व्यक्ति को इससे जुड़ना पड़ेगा और जब तक हम अपने गाँव को ठीक नहीं करेंगे, लेकिन गाँव को ठीक करने भी नहीं जाना है, पहले गाँव से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी हैं। यहाँ से व्यक्ति सिर्फ वैसा ही ना चला जाए कि हम बहुत कुछ सिखा देंगे। बात तो यह है कि पोल्यूशन से बचाव होगा और उस दिन आपको स्वास्थ्य लाभ भी हो सकता है और एक परिवार तो मिल ही जाएंगे बहुत सारे। स्वास्थ्य लाभ होगा, परिवार मिलेगा, दूसरा आपको एक नया कल्चर, नया सिस्टम समझने का मौका मिलेगा। गांव भी इनको स्वीकार करने के लिए तैयार? बिल्कुल बिल्कुल, गांव को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर गांव को आगे जाना है तो ऐसे लोगों को, अपने ब्रांड एम्बेसडर्स को, हम तो हर ग्राम पंचायत के साथ एक ब्रांड एम्बेसडर जो एस्टैब्लिश्ड बिजनेस फैमिली है उसको हम जोड़ देंगे। धीरे धीरे दोनों के बीच में एक सामंजस्य हो जाए, वहाँ पे जो गांव की ज़रूरतें हैं उनके साथ इन लोगों को, ये लोग वहाँ पे वाकिफ हो जाएं, प्लस गांव में ये क्या दे सकते हैं, गांव से क्या ला के यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं, दोनों चीज़ों का एक मैच मेकिंग हो। फिर अगर कोई वहाँ पे छोटे छोटे लघु उद्यम भी लगाना चाहे तो उसमें भी हम लोग उसका सहयोग करेंगे। बहुत अच्छा, आपका जो ये कार्य है काफी अच्छा है और महिलाओं के लिए भी कुछ हो रहा है। हाँ, इसमें महिलाओं का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि गांव में भी नशे की बड़ी बुरी आदतें पड़ चुकी हैं। अच्छा। अभी हमारे एक सांसद जी के पुत्र का भी देहांत हुआ इसी में, मतलब अभी सरकार के अंदर है। हाँ, अभी हैं वो, हमारे विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र में ही आते हैं। ओके,
तो नशे में बहुत सारे लोग परेशान हैं। इसमें भी सरकार पता नहीं कैसे लेती है फैसले। एक तरफ हम लिखते हैं कि शराब पीना मना है, और दूसरा हम गांव में ले जा करके ठेके खोल रहे हैं। तो अभी आप ठेके की बात कर रहे हैं, कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने सारी जगह लॉकडाउन कर रखा था केजरीवाल ने, और उसने सारे ठेके खोल दिए कि भाई हमें रेवेन्यू चाहिए। उनको लोगों के दर्द से कोई मतलब, हाँ उनको जान से भी मतलब नहीं है। रेवेन्यू के बहुत सारे और भी आयाम और साधन हैं। उनको लगा कि जल्दी से जल्दी पैसा ये सिर्फ लोगों को दारू पिलाने से मिलता है। अब पता नहीं दारू क्या जहर पिलाने से भी जल्दी शायद मिल जाएगा, क्योंकि ये तो अजीब सा इसमें, हाँ ये तो हमारी मानसिकता ही वैसी है। तो हमारा ये कार्य है, इसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हमारा शांडिल्य दिवस मनाया जाता है। इसी में हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से लोग जुड़ें। और किस तरीके के युवा मतलब अप्लाई कर सकते हैं आपके इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, और किस किस प्रदेश के लोग आपके वॉलंटियर्स या आपके फोन नंबर्स पे कैसे आ सकते हैं? देखिए हमारे साथ किसी भी प्रकार का युवा और कहीं दुनिया में कहीं से भी जी आ सकता है, किसी भी भाषा का किसी भी व्यवस्था का कहीं का भी जी। उसकी सिर्फ कंडीशन ये है जी। पहला तो वो उद्यमी होना चाहिए जी। उसके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए जी। उसके अंदर नहीं नौकरी वाले वो हमें भिखारी मॉडल नहीं चाहिए, वो उसके लिए सरकारें बहुत काम कर रही हैं और वो करती रहेंगी, और हम टैक्स पेयर्स का खून भी पीती रहेंगी, ठीक है, वो उसका एक अलग वो है। हम क्योंकि हमें सरकार के अंदर भी सोचना चाहिए कि हमें नौकरियां कम करनी चाहिए, बर्डन, जैसे कोई भी कॉरपोरेट होता है या बिजनेस होता है वो सबसे पहले अपने ओवरहेड्स कम करता है, क्योंकि आमदनी बढ़ाने का तरीका है ओवरहेड्स को कम करना। सरकार ओवरहेड्स बढ़ाती जाती है, उसको मतलब ही नहीं है, चाहे वो सैलरी दे ना दे, फैक्ट्री बंद हो खुले, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये एक बड़ी गैर जिम्मेदार तरीके की बातें भी हैं जी। तो कोई भी कहीं से भी इंडो यूरोपियन चैम्बर के वेबसाइट से और फेसबुक से या कहीं से भी जहां से भी उसको लगता है लोटस टावर टीवी के द्वारा आपसे जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता और है। 2 मार्च को वो आकर वहां पर अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते। नहीं, उसके पहले भी वो जुड़ सकता है, वो हमसे कार्य कर सकता है, और कोई जरूरी भी नहीं है वहां आए, वो जहां बैठ करके वहां से भी कार्य कर सकता है। ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए, हाँ, विश्व गुरु भारत बनने के लिए हमारे को सबकी आवश्यकता, सबकी आवश्यकता। आपको जो लोग देख रहे हैं इस समय इस हालात में इस माहौल में आपका कोई विशेष संदेश हो तो बताएं। देखिए इस माहौल में इस ग्लोबल सिटीजन की अनिवार्यता बढ़ गई है जी, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत है जो अब वाकई में चिंतन शुरू करें समाज के बारे में, क्योंकि अभी तक तो हम अंधी चालें चल रहे थे और बाकी लूट लपाट कैसे क्या चीजें हम बता दें, सब उसमें पूरी सर वही व्यवस्था अव्यवस्था। अब हमें चिंतक विचारक चाहिए जो इस गांव को एक इकाई समझें, एक एंटरप्राइज समझें और इसको अब ग्रो करें, क्योंकि हमारे 2.5 लाख के आसपास ग्राम पंचायतें हैं। तो भारत में हमें 2.5 लाख ऐसे युवा चाहिए जो इस समय इन गांव के साथ जुड़े और इन गांव को विश्व के साथ जोड़ें और इनको मॉडल विलेजेस बनाएं। और ऑर्गेनाइजेशन और संगठन यदि आपके साथ जुड़ना चाहें तो उनका आप कैसे आप उनका स्वागत करेंगे? सभी का स्वागत है। 2.5 लाख गांव बहुत, ये ग्राम पंचायतें बहुत बड़ा फिगर होता है, इसमें हर व्यक्ति कार्य कर सकता है। ये सरकार, पहले हमें समझना पड़ेगा कि सरकार कौन है जी। होता क्या है कि हम सरकार को कोई ऐसा समझते हैं कि जैसे बड़ा कोई वैसी चीज है, सरकार लोगों से चलती है जी। और लोगों से चलनी ही चाहिए, सरकार लोगों के लिए है। हम कहते हैं फॉर द पीपल बाय द पीपल, कि ये लोगों के लिए लोगों के द्वारा ही सरकार बनाई जाती है। अब इसमें अलग बात है कि हम लोग इसको समझते नहीं है ना, हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बहुत बार देखा है गली मोहल्ले सब जगह कूड़ा है, कहीं टूट फूट हो रखी है, लोग कंप्लेन भी नहीं करते हैं जी। उनको लगता है दूसरा करेगा। अरे भाई आपका कम से कम आपको इतना अधिकार पता होना चाहिए कि अगर आपकी गली मोहल्ला टूट फूट है, वहां पे नाली खुली है, कूड़ा पड़ा हुआ है, कचड़ा है, ब्लॉकेज है, तो आप कम से कम
जो अथॉरिटीज है उनको शिकायत तो करो उनको। यही चीज, इसी जो हृदयहीनता है, जो लोगों की सोच ऐसी है कि हम नहीं करेंगे, हमने इनको चुन के भेजा है, ये लोग करें कंप्लेंट, तो सारे लोगों को आपस में सपोर्ट करने का एक वो सौहार्दपूर्ण वातावरण देखने को मिलता ही नहीं है। देखिए, चुना हुआ व्यक्ति तो पता नहीं क्या करता है, मुझे ये मालूम नहीं है। कुछ लोग काम भी करते हैं, करते होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग वो भी अपने ही उस चक्र कुचक्र में फंसे रहते हैं 5 साल। लेकिन उस समय हमने चुन के अगर किसी को भेज भी दिया है, ये फिर भी हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको समय समय पे जगाते रहे। जैसे आज मैं एम्स गया। अच्छा, अब दिल्ली एम्स में गया, वहां पे मैंने कुछ काफी सारी वो हैं, बड़ी अच्छी भी बिल्डिंग्स बन गई हैं बड़ी बड़ी, लेकिन वहां पे मुझे कुछ चीजें दिखी जी। जैसे पार्किंग में कम से कम 50-60 नहीं 100 के आसपास पुरानी गाड़ियां एकदम कचड़ा होके पड़ी हुई है, ऐसे कबाड़ खाने में जी। अब पार्किंग नई बनी है और कबाड़ खाने में गाड़ियां पड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी ने, या तो पुलिस की गाड़ियां भी घूमती रहती हैं वहां से, लेकिन कोई कंप्लेन किया होगा, बोला होगा। आज मैंने हर्षवर्धन जी को, अपने LG साहब को, और जो भी उसमें अधिकारी आते हैं, इंक्लूडिंग हमारी जो वहां की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सबको मैंने लिखित में इन्फॉर्म किया, ट्वीट किया कि भाई यहाँ पे ये कबाड़ खाना है, कम से कम आप हॉस्पिटल के एम्बियंस को तो ठीक कर लें। दूसरी चीज मैंने देखा कि वहां पे व्यवहार जो है, जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, ऐसा व्यवहार है जैसे कि पेशेंट ने आकर के वहां पे कोई गलती कर दी हो। अरे भाई, पेशेंट आया है हमारा, एक तरह से मीठा बोलना चाहिए, नहीं मीठा बोलना चाहिए, दूसरा उसी के टैक्स पेयर्स के पैसे से ही आपको तनख्वाह मिल रही है जी। तो आप और उसी पे मालिक पे ही आप चिल्ला रहे हो। अरे भाई, वो वेदना में है, उसका परिवार परेशान है, क्या ट्रांसप्लांट हो रहा है, ऑपरेशन है, हड्डी टूटी हुई है, अलग अलग चीजें हैं, वैसे ही वो लोग तो इस चीज को यूं कहेंगे कि इतनी यहाँ पर भीड़ आ रही है, हम लोग खुद फ्रस्ट्रेशन में ऐसे कह रहे हैं, वो लोग देखिए, उनको तो फ्रस्ट्रेशन होने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा बड़ा हम सिस्टम्स बना रहे हैं, हमें सरकार है पूरी लगी हुई है, सारा हमने PM केयर फंड बनाया, इसमें सभी पैसा आज की डेट में सिर्फ हेल्थ में चला गया है, हेल्थ केयर में ही सब पैसा चला गया। तो ऐसे में अगर ये कंप्लेन करते हैं तो ये बहुत गलत बात है, इसमें जरूर सरकार के लोगों को, जो भी बैठे हुए हैं वहां पर, जो एम्प्लॉय और डॉक्टर से, हम लोगों का व्यवहार ठीक नहीं लगा आपको? डॉक्टर से तो नहीं मिला मैं, लेकिन जो स्टाफ के लोग थे छोटे, हाँ, अब जो अटेंडेंस है, जो भी, वो बड़े ऐसे रूडली बात कर रहे थे लोगों से कि पता नहीं क्या गलती कर दी वो लोगों ने, पेशेंट्स ने आकर के वहां पे, ये एक बड़ा ऐसा भारत, विश्वगुरु भारत कैसे बनेगा जी। तो ये भी हमको समझना है कि हमारे ये कैसा व्यवहार हमारा लोगों के प्रति होगा। इतना बड़ा हॉस्पिटल है इस पूरे, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल, यही हॉस्पिटल नहीं, सभी हॉस्पिटल, सरकारी व्यवस्थाएं, संस्थान, भाई आप लोगों के लिए हो, लोगों के कार्य करने के लिए हो, आपका व्यवहार बड़ा ठीक और उचित होना चाहिए। जी, बहुत दुख की बात है। मैं तिवारी जी, बहुत ही हम लोग बात करना चाहते हैं, लोटस टावर TV आपके साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहता है, समय का अभाव है, आपको और जगह भी जाना है, तो ये 2 मार्च को बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं, और भारत विश्व गुरु बने। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। टावर TV की तरफ से आपका 2 मार्च का आने वाले आगामी जो सांडिल्य दिवस मनाया जा रहा है उसके बारे में बताते हुए भारत विश्व गुरु कैसे बने उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया बताई कि किस तरीके से युवाओं के लिए उनकी सोच कितनी वृहत है। तो साथियों, मुलाकात होती है जल्दी ही, लोटस टावर TV पर जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि अच्छी बातें सभी जगह जानी चाहिए, और लोग भी यदि अपनी कुछ बातें बताना चाहते हो हमारे चैनल पर या कुछ बात करना चाहते हो तो वो हमारे से बात कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।